हिंद के जवान उन दुश्मनों से तो लड़ रहे हैं जो सीमा के पार है, लेकिन जो देश की राजनीति में है, जो देश में है, उनका क्या करेंगे? देखिए, बड़ा दुखद है कि आज इस मसूद साहब ने इस प्रकार की गंदी बात की। मैं गंदी ही कहूंगा, क्योंकि जब पूरा देश वंदे मातरम के नारे लगा रहा है तो आरिफ मसूद क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। और इनका जो कांग्रेस का नेतृत्व है वह इनको क्या शिक्षा देता है, क्या दीक्षा देता है, वो किन चीजों को प्रोत्साहन करता है, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। देखिए, जब इस प्रकार के लोग सत्ता में आते हैं तो उसके दुष्परिणाम जो होते हैं वो देश को भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उनसे प्रोत्साहित होकर दूसरे लोग भी उसी जो पथ मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करते हैं, जो देश के वातावरण को दूषित ही नहीं करता बल्कि राष्ट्रभक्ति पर भी एक कुठारा घाट करता है। आरिफ मसूद साहब को भी दिक्कत है वंदे मातरम बोलने से, यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं की लगातार समर्थन पाकिस्तानी कर रहे हैं। देखिए, मैं चूंकि स्वयं भी मध्य प्रदेश से हूँ, मैं इसलिए आपसे एक बात कह रहा हूँ कि वंदे मातरम को लेकर सबसे पहले तो कमलनाथ सरकार ने जो सेक्रेटरिएट में वंदे मातरम होता था उसको रोका था। जब हमने इसको विरोध किया तो उन्होंने कहा कि हम उसको और भी अच्छी तरह से करेंगे, वो पुलिस बैंड के साथ करेंगे, उन्होंने करके भी दिखाया। अब मैं इसलिए डिमांड करता हूँ कि कमलनाथ जी स्वयं इस पर सफाई दे, और यदि इनके जो विधायक बोल रहे जी बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं, क्या ऐसे लोगों की विधायकी की क्या क्या आरिफ मसूद जैसे विधायकों की विधायकी तुरंत सस्पेंड नहीं होनी चाहिए? मैं उसी पर आ रहा हूँ कि यदि कमलनाथ जी की नीयत साफ है और उन्होंने जो कहा था अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वॉक द टॉक, कि मैं वंदे मातरम को और भी अच्छी तरह से करना चाहता हूँ, तो फिर उनका इस्तीफा रखवाएं, और वरना वो श्वेत पत्र जारी करें कि मसूद से उनके क्या संबंध है और मसूद की विचारधारा क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज साहब हमारे साथ जुड़ने।